नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हंसने लगा मेघनाथ का कटा हुआ सिर। तो आइए जानते हैं। मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर भगवान श्री राम के आगे रखा गया। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल भगवान श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा में शब्द लिख दिए। तब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंडोदरी के पास गई। तब मंडोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार में कष्टों को भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया, अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आया, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान किया है। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह कटा हुआ सिर हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे यह सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।